रीवा जिला चिकित्सालय प्रदेश में अपनी सुविधाओं को लेकर पहले नंबर पर। पिछली परीक्षा में 95% अंक पाने के बाद अन्य सुविधाओं को जुटाने में जुटा है। जिम्मेदारों का साफ तौर से कहना है, हम नंबर एक का खिताब बरकरार रहेंगे। हमारी टीम ने डॉक्टर विकास और सिविल सर्जन डॉक्टर केपी गुप्ता से बात की। प्रदेश में प्रथम स्थान पाने वाला रीवा का जिला अस्पताल अन्य सुविधाओं को जुटाने के लिए भी तेजी से कर रहा तैयारी। हमारी टीम ने जिम्मेदारों से बात की। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर जिस तरीके से रीवा में लगातार काम हो रहा है, माना जा सकता है निकट भविष्य में ये स्वास्थ्य सुविधाओं का एक बड़ा सेंटर होगा, अगर मध्य भारत की बात की जाए तो। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पेपर टुडे। मैं मौजूद हूँ रीवा के कुशाभाऊ ठाकरे जिला चिकित्सालय में। आज बात कुशाभाऊ ठाकरे जिला चिकित्सालय की। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, प्रदेश का नंबर एक जिला चिकित्सालय, दो जिम्मेदार हमारे साथ मौजूद, डॉक्टर विकास और सिविल सर्जन डॉक्टर केपी गुप्ता। आज बात इनसे, किस तरीके की उपलब्धियां आपने हासिल की? जैसे कि अभी वर्तमान में जिला चिकित्सालय में एनक्वास का राष्ट्रीय असेसमेंट हुआ, उसमें हमने 95% स्कोर करके एनक्वास सर्टिफाई हुए हैं, जिससे हमें अतिरिक्त फंड भी मिलेगा। अभी लक्ष्य का है ना, गायनी में जैसे मेटर्निटी में ओटी वगैरह के लिए हमने लक्ष्य सर्टिफाई किया है। अभी हाल ही में कायाकल्प का असेसमेंट हुआ है, उसमें भी हमें पूरी उम्मीद है, फाइनल असेसमेंट में पूरी उम्मीद है कि हम अच्छे अंक लेके अधिक अपना स्थान बनाएंगे। और अभी मुस्कान का 16 फरवरी को मुस्कान का असेसमेंट होने वाला है ना, उसमें बच्चों एनआरसी हो गया, एसएनसी हो गया, पीडी अवार्ड हो गया का उन्मुखीकरण का एक। ये नंबर एक आप हुए, अब लाभ बताइए ना रीवा शहर को, क्या प्रॉफिट देने जा रहे हैं, हमारी स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर क्या उपलब्धियां आप देने जा रहे हैं? सबसे बड़ा ये है कि यहाँ पे कोई भी हितग्राही आए, किसी तरह का पेशेंट आए, उसका समूचा यहाँ इलाज हो, किसी भी मतलब एन के एन प्रकार स्थिति रिफर करने की नहीं बने, चाहे वो मात्र सुरक्षा की बात हो, चाहे शिशु सुरक्षा की बात हो, या कि वृद्धजन की बात हो, या कि हाइपरटेंसिव, या कि पेशेंट की किसी भी तरह की, मतलब हमारा पूरा उद्देश्य है कि एक छत के नीचे जितनी भी व्यवस्थाएं हैं है ना जिला चिकित्सालय में, सुविधाएं हम इनको उपलब्ध कराएं। एक छत के नीचे जितनी भी व्यवस्थाएं, हम रेफरल अस्पताल नहीं बनना चाहते, ये अपने आप में डॉक्टर विकास की एक बड़ी बात। आप जिला चिकित्सालय की किस तरीके से भविष्य में तस्वीर बदलने के लिए काम कर रहे हैं? अभी जैसा आप देख भी रहे हैं कि हमारा मॉडर्न ओपीडी में काम चालू हो गया है, और ये मुझे ऐसी उम्मीद लग रही है कि अक्टूबर दशहरा दिवाली के आसपास ये बंद करके तैयार हो जाएगा, और उस समय से हम लोगों को सेवाएं देना प्रारंभ कर देंगे। इसी प्रकार से हमारा 100 बिस्तर का अस्पताल भी, अस्पताल के पीछे बन रहा जो माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा किए थे, वो अब कार्य रूप में परिणित हो गया है, और ये भी बाय द एंड दिस ईयर वो कार्य रूप में परिणित हो जाएगा। हम लोगों को और जगह मिलेगी तो हम लोगों को सुविधाएं प्रदान करेंगे। अब वर्तमान में हम शासन से हमें कुछ मशीनें, CRM मशीन है मिल रही है, जिससे हमारी आर्थोपेडिक सर्जरी शुरू हो जाएगी। हमारे पास आर्थोपेडिक के डॉक्टर नहीं थे, आ गए हैं, अब वो भी काम शुरू हो जाएगा। सर्जरी का काम भी हम 3-4 सर्जरी लगभग डेली कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ नहीं होती थी। सर्जन के आ जाने से ये काम बढ़ गया है, और निकट भविष्य में हमें TMT मशीन भी, जो हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है जिला चिकित्सालय में, वो शासन के द्वारा TMT मशीन भी हमें। आपने TMT की बात तो कर दी, मेरे समझ में नहीं आया TMT क्या होती है, जो आपको इस समय पूरा रीवा आपको देख रहा है उसको बताइए, TMT का मतलब क्या हुआ, किस तरीके का इलाज होगा उससे? ये TMT मशीन होती है ट्रेडमिल टेस्ट, इसमें हार्ट के जो पेशेंट होते हैं उनको हम मशीन में चला करके डिटेक्ट करते हैं कि इनके कहीं हार्ट में आगे एंजियोप्लास्टी या एंजियोग्राफी, बाईपास आदि कराने की जरूरत, या आगे इनको हार्ट अटैक होने की संभावना तो नहीं है, उसको हम इस मशीन से डिटेक्ट कर लेते हैं। और कुछ? और इसके अलावा जो है हम ये गायनी में भी, गायनी सर्जरी नहीं होती थी तो हमने हिस्टेक्टामी शुरू करवा दी है इसी साल जनवरी में हमारे यहाँ, तो गायनी सर्जरी भी प्रारंभ हो गई। अभी तक केवल सीजर होते थे, पहले सीजर होते थे, गायनी नहीं होती थी, अब वो प्रारंभ हो गया है। और हमारे पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में इस साल
दो NSBL के तहत दो डिप्लोमा सीट भी हमें मिल गई है, जो इस साल जुलाई में बच्चों के एडमिशन हो जाएंगे। 5 साल तक हमें दो दो बच्चे मिलते रहेंगे, 5 साल तक दो दो बच्चे। और कुछ सर, बड़ी बात है कि वर्तमान समय में जिला चिकित्सालय में प्लास्टिक सर्जन आए हुए हैं, तो वो सर्जरी जो मेडिकल कॉलेज में नहीं होती वो हमारे यहाँ हुई है। अभी हाल में थायराइड की सर्जरी हुई है, तो धीरे धीरे ऑनगोइंग ब्रेस्ट कैंसर का भी जीए में ऑपरेशन हुआ है, तो ये एक बहुत ही उपलब्धि है। मतलब आज से यदि 2013 में मैंने पहले यहाँ ज्वाइन किया, तो 2013 में 2023 के रीवा जिला चिकित्सालय में बहुत अंतर है। ये थे हमारे साथ डॉक्टर विकास और डॉक्टर केपी गुप्ता। डॉक्टर विकास का कहना था कि 10 साल में मुझे जिला चिकित्सालय में होता रहा, 10 साल में हमने इसको जिस तरीके से बदलते देखा सोचा भी नहीं था। सबसे बड़ी बात जो दोनों डॉक्टरों ने कही, हम रेफरल अस्पताल नहीं बनना चाहते, मेडिकल के क्षेत्र में जो भी चाहिए हम यहां पर उपलब्ध कराएंगे। साथ ही सुपर अस्पताल अब जल्दी जाने की जरूरत नहीं है, हमने TMT मशीन का इंतजाम कर लिया है, हम हार्ट को लेकर तमाम जांचें यहां पर खुद कर लेंगे, उसके बाद जरूरत होगी तो उसके हिसाब से यहां पर लोगों को सुविधाओं के लिए उपलब्ध कराएंगे। मैं एक बार फिर आपको बता दूं, कुशाभाऊ ठाकरे जिला चिकित्सालय रीवा प्रदेश का नंबर एक अस्पताल बन चुका है। यहाँ जिला चिकित्सालय में मध्य प्रदेश शासन की जो गाइडलाइन थी जिला चिकित्सालय को लेकर, उस पर इन दोनों लोगों ने जांच कराई थी, जांच दल बाहर से आया था, सारे मापदंड सारे पैमाने पर जिला चिकित्सालय नंबर एक उतरा, 95% अंक मिले थे, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। अपने मेजबान जावेद अंसारी को अब दीजिए इजाजत।